हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शाही व्लॉग। बहुत लोगों का कंप्लेन आ रहा था कि भैया आपके वीडियोस में वॉइस क्लियर नहीं आती है, वॉइस अच्छी नहीं आती है, तो उसको हमने इम्प्रूव करने के लिए ये मंगाया है बोया का माइक, बोया लिंक जिसको कहते हैं। ये नया माइक आया है मार्केट में, बहुत लोगों को नहीं पता है, अगर पता होगा तो ये जल्दी मिल नहीं रहा है अभी ऑनलाइन में। हम लकी थे, हमें मिल गया ऑनलाइन और ऑलमोस्ट 10,500 रुपये का पड़ा है। अगर हम दूसरे कंपनी का माइक देखें जैसे रोड का हो गया, DJI का हो गया, तो काफ़ी महंगा 30,000 से ऊपर का होता है या 30,000 का होता है। तो ये बोया का आपके पास सस्ते में, बिगनर हो आप तो आपके पास अवेलेबल है ये। आज हम इसका टेस्टिंग करने वाले हैं, रिव्यू देने वाले हैं और इसका अनबॉक्सिंग भी करेंगे। और इसीलिए मैं माइक यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं डायरेक्ट आईफोन से वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद हम माइक से वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे। आज हमारे पास टेस्टिंग करने के लिए एक तो आईफोन है, आईफोन में कैसा आवाज़, कैसी कंपेटिबिलिटी है इसकी वो पता चलेगी। उसके बाद हमारे पास है एंड्रॉयड फ़ोन। एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत लोगों का कंप्लेन आता है कि भाई एंड्रॉयड फ़ोन से ये माइक डायरेक्ट काम नहीं करता, या फिर कोई दूसरा माइक है जिसमें वायर है, वैसे तो ये वायरलेस है लेकिन जिसमें वायर है वो भी काम नहीं करता है। तो उसमें एक ट्रिक होता है, आपको कुछ भी कोई भी एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट जो फ़ोन का कैमरा है, एंड्रॉयड का कैमरा है, उससे ही आपका ये कनेक्ट हो जाता है और चलता है। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि मोबाइल में आपको सेटिंग क्या करनी होती है, ये लास्ट में। अभी हम आपको एंड्रॉयड से टेस्ट करेंगे, रिव्यू देंगे और कैमरे के साथ कंपेटिबिलिटी इसकी कैसी है। हमारे पास एक कैमरा है GoPro जो व्लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और हमारे पास आईफोन है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आपको इसमें पता चलेगा आईफोन के साथ कंपेटिबिलिटी कैसी है, एंड्रॉयड के साथ कैसी है और कैमरे के साथ कैसी है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले आपको बॉक्स पे क्या है वो बता देते हैं। सबसे पहले ये बोया कंपनी का माइक है, टू वे माइक है, मतलब इसमें दो ट्रांसमीटर है, दो लोग एक साथ बोल सकते हैं, उनकी आवाज़ें रिकॉर्ड हो सकती है, और एक रिसीवर है जो आपके फ़ोन में लगता है। इस माइक का नाम है बोया लिंक। 2 ईयर की वारंटी है और साइड में दिया गया है स्पेशली मेड फॉर आईफोन एंड आईपैड। वैसे तो अगर आप फ्रंट में देखोगे तो ये कंपेटेबल है सबके साथ, कैमराज, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर्स एंड मोर, सबके साथ ये कंपेटेबल है। लेकिन फिर भी साइड में इन्होंने लिखा है मेड फॉर आईफोन एंड आईपैड, ये मतलब स्पेशल उसके लिए ही बनाया गया है। फिर यहाँ पे बॉक्स में पीछे कई इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और सबसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है कि इसका रेंज 100 मीटर का है। आप यहाँ बैठे हो, 100 मीटर तक दूर जाके आप बात कर सकते हो, आपकी वॉइस रिकॉर्ड होगी। और इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है 3 different adapter, 3 तरह का adapter है, और जो कि हम बॉक्स जब ओपन करेंगे तो दिखाएंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके साथ HD नॉइस कैंसिलेशन, इसके एक तो नॉर्मल आपका रिकॉर्डिंग होगा और एक और फंक्शन इसमें अवेलेबल है कि नॉइस कैंसिलेशन भी होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, उसको भी हम ट्राई करेंगे और आपको रिव्यू देंगे। तीसरा इन्फॉर्मेशन जो इसमें बताया गया है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो चार्जिंग के टाइम भी। ये एक पूरा फैमिली पैक बॉक्स में आता है, सब कुछ एक तरह से रखा हुआ, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, तो उसके साथ इसका चार्जिंग भी होता है, आपको हर वक्त चार्ज में लगा के नहीं बैठना है। आप एक बार इसके केस को फुल्ली चार्ज कर देते हैं तो 30 घंटे तक बैकअप देता है, 30 घंटे तक आप उसमें अपने माइक ट्रांसमीटर को चार्ज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए इसको ओपन करते हैं और अच्छे से आपको दिखाते हैं और डिटेल में बताते हैं क्या क्या अवेलेबल है, कैसी बिल्ड क्वालिटी है और कितना अच्छा है। उसके बाद हम रिव्यू देना शुरू करेंगे, सबसे पहले आईफोन के साथ, एंड्रॉयड के साथ, फिर कैमरे के साथ, और लास्ट में हम बात करेंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन के साथ जो लोगों को उसको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है उसमें सेटिंग क्या करना है और आप इजीली कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइज ये हमारा बॉक्स है, आप देख सकते हैं पूरा बॉक्स फुल। टोटल जो प्राइस पड़ा है हमें वो 12, इसके अंदर जो MRP है वो 12,220 रुपये है, और जो हमें पड़ा है 10,234 रुपये का आया है। ये हमने Flipkart से ऑर्डर किया था। इसको ओपन करते हैं हम। इसके अंदर टोटल 2 compartment मिलता है, एक ये है, एक ये है, बाकी ये पूरा बॉक्स खाली है, तो इसको हम साइड रख देते हैं। अब इसके अंदर जो हमें मिलता है ये है मेन हमारा केस, जिसके अंदर माइक्रोफोन है। इसको अगर हम निकालते हैं तो ये ऐसा कुछ दिखता है।
यहाँ आपको खोलने के लिए मिल जाएगा, ऐसे खोल सकते हैं। और ये आपको मिल जाएगा अंदर पूरा सेटअप माइक्रोफोन का। इसके अंदर ये आपको चार्जिंग का पॉइंट आपको बताता है कितना चार्ज है ये केस आपका। इस साइड से आप चार्ज कर सकते हैं यूएसबी सी पोर्ट से। और इस साइड कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे बोया का ब्रांडिंग दिया हुआ है, इसको हम साइड रखते हैं। इसके अंदर देख लेते हैं कि इसमें क्या है। एक ये केबल मिल जाता है, उसके बाद फिर एक हमें ये इसका कवर मिल जाता है रखने के लिए पाउच। इसके अंदर हम रख करके लेकर के जा सकते हैं, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। कुछ यूज़र मैनुअल मिल जाता है और वारंटी कार्ड है। इसका टोटल 2 इयर्स का वारंटी है, तो ये आपका वारंटी कार्ड हो गया। कुछ पॉलिसीज लिखी हुई है वारंटी की, और ये इसका यूज़र मैनुअल हो गया। ये सबको हम साइड करते हैं, इसको भी साइड रख देते हैं। ये आपका यूएसबी सी टू यूएसबी केबल है। इसके अंदर हमें ये एक रिसीवर मिलता है, 2 ट्रांसमीटर है जिसको माइक भी बोलते हैं। ये भी हमारा माइक हो गया, यहीं से चार्ज हो जाता है। आपको 2 एक्स्ट्रा कनेक्टर, ये आईफोन के लिए है लाइटनिंग केबल। ये आपको मिल जाता है 3.5mm जैक TRS कैमरा के लिए। और ये आपको विंडशील्ड भी आपको मिल जाता है 2, इसको हम साइड रखते हैं। और ये सी वाला इसके अंदर लगा हुआ है, इसको हम यहाँ से पुश करके निकाल सकते हैं और हम चेंज कर सकते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए मुझे आईफोन में लगाना है, तो हम यहाँ से जस्ट पुश कर देंगे तो ये लग जाएगा। फिर हटाना होगा, यहाँ से निकालेंगे और इसको हटा करके दूसरा हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम हटा देते हैं। अगर हमें अगर विंडशील्ड भी अगर लगाना है, तो हम यहाँ पर जस्ट इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये लग जाएगा हमारा, ये विंडशील्ड है। इस माइक के अंदर अगर हम देखें, तो हमें एक ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन मिल जाता है। 2 हमें वॉल्यूम बढ़ाना है घटाना है, उसका कुछ लेवल सेट करना है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्टिकर लगा हुआ है, इसको निकाल देंगे तो ये चार्ज भी होने लग जाएगा। ट्रांसमीटर में भी आपको एक मिल जाएगा आपको ऑन ऑफ के लिए बटन, और 2 मिल जाएगा, एक मोनो के लिए है, एक स्टीरियो के लिए। ये बटन है, इस साइड कर देंगे स्टीरियो हो जाएगा, इस साइड कर देंगे तो ये मोनो पे चला जाएगा। और यहाँ से हम इसको अलग से भी चार्ज कर सकते हैं, इन सब को चार्ज कर सकते हैं। देखिए सब में आप टाइप सी का आपको पोर्ट मिल जाता है, जहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं डायरेक्टली। इसको अब हम फोन में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि माइक के साथ हमारी वॉइस क्वालिटी कैसी आती है। एक बार मैं आपको फोन में कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, फोन में कैसे कनेक्ट करेंगे। ये एंड्रॉइड फोन है, तो इसके अंदर हम कनेक्ट करते हैं। इसको जस्ट यहाँ पे प्लग इन कर देंगे और ये कनेक्ट हो गया। ब्लू लाइट हल्का हल्का ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये ऑन हो गया है। अब हमें इसे ऑन करना है, तो इसके अंदर भी ब्लू लाइट ऑन हो जाएगा, ये देखिए। और जैसे ही इसको निकालते के साथ ये कनेक्ट हो जाता है, दोनों डायरेक्ट जलने लग गया, समझ जाइए कि ये कनेक्ट हो गया है। तो भाई अभी अभी आपने अनबॉक्सिंग देख लिया बोया लिंक बोया माइक का, जो 2-वे माइक है। 2 लोग एक बाद में, एक मैं लगा सकता हूँ, एक मेरा फ्रेंड लगा सकता है, तो हम एक साथ वीडियो बना सकते हैं। देखिए अब हम इसका टेस्टिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले किस में, एंड्रॉयड में या फिर आईफोन में? आईफोन में। तो ये वीडियो अभी आईफोन से बन रहा है, सबसे पहले आईफोन में टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद एंड्रॉयड में करेंगे, लास्ट में गोप्रो में करेंगे। तो भाई आईफोन 14 प्रो पे हम टेस्टिंग करने वाले। एक माइक देखिए यहाँ साकिब के नेक पे लगा हुआ है, और दूसरा माइक मेरे ऊपर लगा हुआ है, जो कि साकिब दिखाएगा। ये देखिए ये दूसरा माइक है, और साकिब अभी लंबा जाने वाला है, और ये पार्क बहुत लंबा है, तो हम यहाँ खड़े होंगे और एकदम एंड तक जाके चेक करने वाले हैं कि भाई ये तुम ही जाओ ना बोलते बोलते, तो मैं ही चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये रास्ता सीधा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सीधा रास्ता चेक करेंगे जाके। और इसमें थोड़ा सा हमने ये सुना है कि आप अगर सीधा फेस किए हो रिसीवर के साइड, तो आपकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी आती है, लेकिन वही अगर आप घूम जाते हो, ऐसे उल्टा चलते हो, तो आपकी आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आती है। मे बी आपको पता चलता होगा। चलिए ये हो गया, जब बीच में ऑब्स्टिकल आता है, तो मैं अभी इतना दूर हूँ, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 30 फिट की दूरी है जी, ऑलमोस्ट मैं 200 मीटर आ चुका हूँ, नहीं सॉरी 200 मीटर नहीं, 200 फिट और 50 मीटर,
ये देखिए अभी मैं स्ट्रेट हूँ, अगर इतनी दूर से भी आपको मेरी वॉइस आ रही है तो भाई ये माइक कमाल का है, और अगर क्लियर आ रही है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, अभी मुझे नहीं पता है, आप बताओ क्लियर वॉइस है कि नहीं, और पहले के वीडियो में और अभी के वीडियो में क्या डिफरेंस आपको पता चल रहा है, आप वॉइस में क्या डिफरेंस पता चल रहा है। अब थोड़ा सा मैं बैक, ये देखिए अब मैं बैक घूम गया हूँ, मेरा पीठ फ़ोन के साइड है, कैमरे के साइड है, आगे चल रहा हूँ तो यहाँ पे शकील तो जाता ही जा रहा है भाई, प्रॉब्लम होगी आपको सुनने। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, अगर मैं दौड़ूं तो फिर कैसा वॉइस आएगा, एक बार मैं रन कर रहा हूँ तो ये रन करते हुए वॉइस का क्या कैच हो रहा है, कैसे कैच हो रहा है, मेरी आवाज में लड़खड़ाहट है कि नहीं है। तो ये वॉइस रन करते हुए क्या अच्छे से कैच हो पाता है कि नहीं हो पाता है, बहुत फास्ट नहीं, नॉर्मल मैं रन कर रहा था ये चेक करने के लिए कि भाई नॉर्मल में कैसे वॉइस कैच होता है, और रन हम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कैसे होता है। उतना दूर चले गए थे कि साकिब गोरे से काला दिखने लगा था उसमें कितना वॉइस आया है, जब मैं पीछे घूम के वीडियो बना रहा था काफ़ी दूर से तो उसमें कैसा वॉइस था। थोड़ा सा थक गया हूँ, तो अगला जो चेक होगा एंड्रॉयड वाला वो साकिब जाएगा, मैं यहाँ फ़ोन लेके खड़ा रहूँगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, निकालें इसको, नहीं उसको रहने देते, सिर्फ इसको चेंज करेंगे, ओके रिसीवर को चेंज करेंगे। तो अब हम शिफ्ट हो गए हैं आईफोन से, और ये है एंड्रॉयड, वन प्लस का फ़ोन है। पहले हमने देखा था, चेक किया था इसमें, तो अगर पीछे घूम रहा था शकील तो वॉइस कट हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो पीछे घूमने से कट होता है, अगर सीधा अगर हम बनाते हैं वीडियो तो फिर कट नहीं होता है। इस साइड भी देखें, अगर बीच में मान लीजिए पेड़ वेड़ आता है उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम मान लीजिए ऐसे घूम जाएंगे कितना दूर, तो फिर वॉइस कट हो जाता जाते जाओ जाते थोड़ा दूर तो होते जाओ, पीछे पीछे ऐसे चल करके जाते। पहला वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था क्योंकि उसमें हमने प्रॉपर दिखाया काफी दूर जाके, लेकिन इसमें उतना हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वहां तक का वॉइस कैप्चर कर रहा था, बहुत दूर तक का ये कैप्चर कर लेता है। अगर हम ऐसे अगर टर्न करेंगे तो फिर वॉइस कट होने लग जाता है और उतना क्लियर वॉइस नहीं मिलता है। तो सीधे सीधे अगर हम अगर वीडियो बनाते हैं कैमरे पे, अगर मेरा फोकस रहता है, हम कैमरे की तरफ इस रिसीवर को रखते हैं, तो इजीली ये वॉइस कैप्चर करता है। आवाज कैसे मतलब मैच, अबे तुम मत बोल भाई, आपको समझ में वॉइस ओवरलैप होगा, हम ओवरलैप ही कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि ओवर जब हमारी वॉइस ओवरलैप होती है माइक में तो क्या आपको कुछ समझने में दिक्कत होता है, या आप दोनों की आवाज एक साथ समझ सकते हो। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये चेक हो गया होगा, ये हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के डायरेक्ट कैमरे से ये वीडियो शूट हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम अब कैमरा पे शिफ्ट होने जा रहे हैं और हम अपना जो माइक है कैमरे पे ही कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा गोप्रो है, गोप्रो है ऑन हो गया है और अभी इसमें माइक नहीं लगा है। बहुत लोग को अगर GoPro यूज़ करते होंगे तो उनको पता होगा डायरेक्टली हम इसमें माइक नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए या तो आपको एडाप्टर लेना पड़ेगा या मल्टी मीडिया मोड आता है एक, वो लेना होगा। तो इसमें हम जो कनेक्ट करने वाले हैं वो मीडिया मोड का यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये बॉक्स है जिसमें हमारे पास एक मीडिया मोड अवेलेबल है, इसको मीडिया मोड बोलते हैं, कुछ 7 से 8 हज़ार रुपये का आता है जो कि खुद में एक्सपेंसिव है। सिर्फ आपको कनेक्टर माइक ऐड करने के लिए ये मीडिया मोड लेना पड़ता है। ये अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है विथआउट माइक, बट हाँ मीडिया मोड का माइक लगा हुआ है, उससे भी थोड़ा क्रिस्प आता है, लेकिन हम ये वाला माइक यूज़ करके देखेंगे, बोया वाला, बोया के माइक से कितना ज़्यादा क्रिस्पी होता है, कितना ज़्यादा हमें फ़र्क मिलता है। ये मीडिया मोड है, आप यहाँ देखते होगे ना, ये माइक का सिग्नल दे रहा है, ऑलरेडी मीडिया मोड का माइक ये यूज़ कर रहा है, तो ये प्योर GoPro का वॉइस नहीं है, जो हम आपको सुनाए हैं GoPro से वो मीडिया मोड का था। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे, हमने इसमें सी टाइप वाला कनेक्ट करने का कोशिश किया लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, हमें नहीं पता चला क्यों, लेकिन जब हमने 3.5 mm जैक पोर्ट में इसको कनेक्ट किया तो ये काम किया। तो चलिए उसी में हम आपको रिव्यू देते हैं, ये देखिए ये ऐसे कनेक्ट हो गया। अब ये इसलिए हम इसमें नहीं यूज़ कर रहे कि बहुत अब ढंगा लग रहा है, ये बेढंगा टाइप मतलब लगने लगता है, पकड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है और थोड़ा ज़्यादा ये हैवी हो गया, बल्की हो गया, जो उतना हमारे हाथ में सेट नहीं हो रहा है कि भाई हम इसको लगा के बनाएं, लेकिन हाँ बना सकते हैं क्योंकि फिर माइक हमें मिल रहा है टू वे माइक, ये देखिए। तो ऑलरेडी हमारा वीडियो चल रहा है,
और ये है GoPro। दूर जाओ, देखिए वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बताइए। उसके अंदर चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है इसमें। अच्छा, तो वॉइस आ रहा होगा अब, और पीछे गाड़ी भी चल रही है, काफ़ी तेज़ गाड़ी गई है, तो आवाज़ मुझे नहीं लगता कि आपको सुनाई दिया होगा गाड़ी के चलने का। स्कूटी चल रही है, बुलेट चल रहा है, बहुत सारी। और थोड़ा दूर जाओ, और थोड़ा हम दूर जाते हैं। इसके अंदर भी आएगा, पूरा आवाज़ कैप्चर करेगा, लेकिन अगर हम बिना माइक के बोले तो यहाँ से तो भाई आवाज़ तो नहीं पहुँचने वाली है कैमरे के अंदर। तो अभी इतना में आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आवाज़ कैसी आ रही है और आपको वॉइस कैसा मिल रहा है, क्लियरिटी है या नहीं है। एक कॉम्बो पैक हमने दिया है, कैमरा का भी टेस्ट कर दिया, आईफोन का भी टेस्ट कर दिया है और एंड्रॉयड फ़ोन का भी टेस्ट कर दिया है। एक और टेस्ट करेंगे हम, जैसे आपने देखा GoPro का हमने मीडिया मोड का टेस्ट किया, साथ में बोया माइक का किया, लेकिन आपको GoPro का डायरेक्ट नहीं सुना है, उसका भी एक छोटा सा क्लिप हम देते हैं ये मीडिया मोड निकालने के बाद, कि डायरेक्ट GoPro में कैसा वॉइस आता है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि मीडिया मोड में कैसा वॉइस है, GoPro में कैसा वॉइस है, और फिर माइक लगा के, बोया के माइक लगा के कैसा वॉइस है। और इसके बाद का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम वॉइस कैंसिलेशन ट्राई करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो अभी बन रहा है इसमें ना तो मीडिया मोड लगा है ना ही माइक लगा है, सिर्फ प्योर GoPro का साउंड है। और आपको इसका एक्सपीरियंस करा देते हैं कि डायरेक्ट हम GoPro से कितना दूर का वॉइस आता है। हाँ, तो हम भाई अभी नज़दीक में है, अब नज़दीक से बोलते बोलते हम पीछे जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, अब बिना माइक के हम GoPro में, बिना मीडिया मोड के हम GoPro में शूट कर रहे हैं, और करीब करीब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आपको लग रहा है कि 15 फीट, 20 फीट। हाँ 20 फीट चला गया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आवाज़ आती होगी। हम जोर से बोल रहे हैं, वहाँ तक जा करके हम ऐसा आहिस्ता नहीं बोल रहे थे, जोर से बात कर रहे थे। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही मैं वहाँ से भी बात कर रहा था। देखिए हम पहुँच गए हैं ट्रैफिक वाले एरिया में, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आपको आवाज़ सुनाई देता होगा। अभी ये देखिए रिसीवर मेरे हाथ में है, माइक यहाँ लगा हुआ है, लेकिन माइक का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे हाथ में, ये हम क्लिप ले रहे हैं विदाउट माइक। कितना ट्रैफिक का आवाज़, कितना नॉइस आपको आ रहा है। अब इसके बाद हम जो दूसरा क्लिप लेंगे उसमें हम माइक यूज़ करेंगे, और जो इसके बाद वाला क्लिप होगा उसमें हम नॉइस कैंसिलेशन मोड यूज़ करेंगे। तो आपको तीनों एक बाद में पता चलेगा, विदाउट माइक कितना आवाज़ है और विथ माइक कैसा आवाज़ है, नॉइस कैंसिलेशन के साथ कैसा आवाज़ है। अभी मैं पास हूँ क्योंकि मैं दूर चला गया, अब आपको ट्रैफिक की आवाज़ ज़्यादा आती होगी, पता नहीं मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं। देखिए अभी माइक लगा हुआ है और ये माइक ऑन है, लेकिन इसमें नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं है, नॉर्मल मोड पे है। और हम आ गए हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में, स्पेशली इसलिए कि हम नॉइस कैंसिलेशन का पता कर सके कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। चलिए ये जो नॉइज़ ज़्यादा है आपको विदाउट नॉइस कैंसिलेशन है, अब हम नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने जा रहे हैं। अगर इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन करना है तो हमें ये वॉल्यूम का बटन है प्लस माइनस, उसको दोनों को एक साथ दबाना है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रीन लाइट जल जाएगी, आपको दिखता होगा। चलिए अब इसका ग्रीन लाइट इसमें जल रहा है, मतलब वॉइस कैंसिलेशन ऑन हो गया है, और अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो वॉइस कैंसिलेशन के साथ है। तो आप कंपेयर कर लीजिए कि विदाउट वॉइस कैंसिलेशन कैसा आवाज़ मिल रहा था आपको, और वॉइस कैंसिलेशन ऑन करने के बाद, मतलब वॉइस कैंसिलेशन ही नॉइस कैंसिलेशन है असल में, सॉरी गलत बोल रहा था मैं कब से, तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने के बाद आपको कैसा आवाज़ मिल रहा है। आई होप इतने में आपको एक पता चल गया होगा कि कैसा आवाज़ है और कितना इफेक्टिव है इसका नॉइज़ कैंसिलेशन मोड। तो गाइस काफ़ी डिटेल में हमने आपको माइक का डिमॉन्स्ट्रेशन दे दिया, आईफोन के साथ दिखाया, एंड्रॉयड के साथ दिखाया, और कैमरे में कंपेटिबिलिटी कैसी होती है, माइक लगा के कैसा साउंड आता है, विथआउट माइक कैसा साउंड आता है, और नॉइज़ कैंसिलेशन करने के बाद क्या इफेक्ट आता है, काफ़ी डिटेल में बताया है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हाँ अगर आप इस माइक को खरीदना चाहते हैं और इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देख रहे हैं या फिर इसके बारे में ढूंढ रहे हैं, अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको मान लो सब कुछ पता चल गया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने जा रहा हूं जो कि दूसरे यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं, बहुत सी छोटी सी सेटिंग है जो कि बड़े यूट्यूबर या दूसरे यूट्यूबर, आप दूसरे कभी किसी यूट्यूब चैनल पर देखो तो जल्दी नहीं मिलता है, बहुत ढूंढोगे तब भी नहीं मिलता है, और ये हमें भी बहुत मुश्किल से मिला है।
पता चला है। चलिए आपको बताते हैं, बहुत लोग एंड्रॉयड में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वायरलेस माइक हो या वायर वाला माइक हो, लेकिन कनेक्ट नहीं होता है। तो उनको ओपन कैमरा डाउनलोड करना पड़ता है, जो कि हिलता बहुत है, शेक बहुत होता है, उससे वीडियो आप नहीं बना सकते हो। फोन का जो ओरिजिनल कैमरा होता है वो ज्यादा शेक नहीं करता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो फिर आप जब एक्सटर्नल माइक ऐड करते हो तो काम नहीं करता है। चलिए सेटिंग होता है एक छोटा सा, आपको दिखा देते हैं आपको क्या करना है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो सिंपली आप चले जाइए इसके सेटिंग पे। देखिए हम अपने सेटिंग पे आ गए हैं और डायरेक्ट आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको सेटिंग में दिखेगा एडिशनल सेटिंग, उस पे चले जाना है और आप नीचे आओगे तो आपको OTG कनेक्शन दिखेगा, उसको ऑन कर लेना है अगर ऑन नहीं है तो। अगर ऑन है तो कोई बात नहीं, देखिए मैंने अभी ऑन कर दिया। और फिर से आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग में आपको मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन, सभी फोनों में होता है, नॉर्मल सेटिंग है। फिर आप एकदम नीचे चले जाते हो तो देखो मेरे में मोर का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पे जाएंगे और आप से चेक कर लेना कि ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है। फिर नीचे वाला सेटिंग आप देख रहे हो डिफॉल्ट सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करोगे तो नॉर्मली जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटो सेलेक्शन पे क्लिक होता है पहले से, लेकिन आपको क्या करना है, ऑटो सेलेक्शन से हटा के यूज पेरिफेरल डिवाइस कर देना है। जब यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करते हो तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन अ डिवाइस विल ऑटो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी इज कनेक्टेड टू योर फोन, मतलब ये जब आप इस पे इस सेटिंग पे सेलेक्ट कर देते हो तो आप एक्सटर्नल माइक जो भी लगाते हो तो उससे आपका रिकॉर्डिंग होगा, ना कि फोन के माइक से। तो यही एक छोटी सी सेटिंग है, इसको करने के बाद आप कोई भी माइक लगाइए, या तो वायरलेस हो या वायर वाला हो, आप इजिली कनेक्ट करके उससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, व्लॉग बना सकते हैं। और बहुत छोटा सा सेटिंग है जो कि दूसरे यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बताते, आई थिंक डरते हैं कि कहीं आप अच्छा वीडियो ना बनाने लगो। चलिए तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, लंबा ज़रूर है लेकिन एक ही वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है, पसंद आया हमारा काम, हमारी मेहनत पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।